आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज का विषय जो है वो है डिप्रेशन से मोटिवेशन तक। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज 25% लोग कम से कम डिप्रेशन से प्रभावित है। अपने आप से वो निगेटिव कॉन्वर्जेशन करते रहते हैं, निगेटिव सवाल अपने आप से पूछते रहते हैं, उनके दिमाग में सब निगेटिव आते रहता है। आपको जिंदगी में क्या मिलेगा या कौन सा उत्तर मिलेगा, ये निर्भर करता है कि आप अपने आप से कौन सा सवाल करते हो। समझो दो बच्चे हैं, दो सगी बहना है, एक को डायबिटीज हुआ, दूसरे को भी डायबिटीज हुआ, ट्विंस है, जुड़वा बहन है। तो एक सवाल करती है, हे भगवान तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मुझे डायबिटीज़ क्यों दिया, अब ज़िंदगी भर मुझे इसका सामना करना पड़ेगा, और रोते बैठती है। और दूसरी बोलती है, हे भगवान तूने मुझे डायबिटीज़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसके साथ साथ इंसुलिन दवा का आपने खोज तो किया और वो तो करके दिया, आज मैं इंसुलिन लेके भी अच्छा जीवन जी सकती हूँ। एक इंसान सवाल करता है, क्या बात है कि मैं हमेशा बर्बाद हो जाता हूँ, क्या बात है मैं जहाँ हाथ डालता हूँ ना वहाँ मुझे मिट्टी मिलती है। तो दूसरा इंसान बोलता है कि मुझे वैसा भगवान क्या करे कि मैं मुझे यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें से मैं बाहर कैसा निकलूँ। एक जो है वो गिरने के बाद में गिरा रहता है और वहाँ रोते रहता है, तो दूसरा जो है वो खड़ा हो जाता है, कपड़े झटकता है और काम को लग जाता है और बोलता है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जो नुकसान हुआ वो हुआ। तो हारा हुआ इंसान जो है वो हारा हुआ है उसमें ही रहता है, वहाँ से बाहर आता नहीं है। और जो इंसान अपने आप से सवाल करता है कि जो भी हुआ वो अतीत में हुआ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे लिए क्या संभव है, तो सवाल जो है ना वो महत्व का है कि आप अपने आप से सवाल कौन सा करते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। एक बेटा है, उसका उसके पिताजी मर गए, तो वो अपने आप से पूछता है कि भगवान मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे पिताजी निकल गए, अब मैं कैसा करूँ, हमारी ज़िंदगी हमारे फैमिली कैसा होगा। दूसरा बेटा है, उसके पिताजी मर गए, तो बोलता है कि ठीक है जो हो गया हो गया, अभी मैं मेरे फैमिली को कैसा सपोर्ट कर सकता हूँ, और जो भी कठिनाई है उसको मुझे उसके ऊपर मात करना है, तो भगवान मुझे ताकत दे दे और मैं उसके लिए क्या करूँ कि मुझे ताकत आ जाएगी। सवाल वो है एटीट्यूड का, आप अपने आप से क्या सवाल करते हो। सवाल डिप्रेसिंग है कि सवाल एम्पावरिंग है, जहाँ से आपको पावर मिलती है। आपका सवाल डिसएम्पावरिंग होता है जहाँ से आप नीचे जाते हो, कि आपका सवाल एम्पावरिंग होता है जहाँ से आपको पावर मिलती है। यदि आप अपने आप से सवाल करते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा आने का मकसद ये दुनिया में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोगों के जीवन में कैसा काम में आ सकता हूँ, तो ये आप सवाल कर सकते हैं। या फिर अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ भी रहा नहीं, हे भगवान अभी मुझे मौत आ गई तो अच्छा है, बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत प्रॉब्लम है, अब मैं जीवन कैसा बिताऊँ, मैं तो खुदकुशी कर लिया तो अच्छा है, ऐसा भी कोई कुछ बोल सकता है अपने आप से। कुछ लोग जो है वो पुश स्टार्ट होते, उनको ढकेलना पड़ता है, उनके पीछे लग लग के काम करना पड़ता है। कुछ लोग जो है वो ऑटो स्टार्ट होते हैं, वो खुद काम की शुरुआत करते हैं, वो प्रोएक्टिवली काम की शुरुआत करते हैं और वो देखते हैं कि मैं कैसा काम पार कर सकूं। कुछ लोग जो होते हैं बोलते हैं कि ये संभव नहीं है, अभी कुछ होगा नहीं है, अब कुछ संभव नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं ठीक है जो हुआ हुआ, अब मैं सोचता हूँ कि अभी कैसा होगा और मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप सवाल क्या करोगे उसके ऊपर आपका जीवन निर्भर है। ये जीवन जीने के समय घटना कुछ भी हो सकती है, सवाल यह है कि घटना होने के बाद में आप उसको प्रतिक्रिया क्या देते हो, वो महत्व का है, क्योंकि प्रतिक्रिया जो आप देंगे उसके ऊपर पूरा आपका जिंदगी डिपेंड होता है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर रहना ये बुरा है। गिरने के बाद में खड़ा होकर कपड़े झटकना और काम को लग जाना और पूछना कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कि जो ब्रेकडाउन आया मैं गिरा हूँ उसके लिए अभी मैं उससे बाहर कैसा आ सकता हूँ, तो वह सवाल करना महत्व का है। दो भाई है, दोनों अरबपति है, मगर एक भाई पूछता है कि हमारे देश में मैं जहाँ भी हाथ लगाता हूँ मुझे नुकसान कैसा आता है, मेरे सब जो प्रोजेक्ट है वो कैसे डिफेक्टिव हो जाते हैं और मेरे को कैसा नुकसान आ जाता है। दूसरा भाई बोलता है कि भाई भी मैं क्या करूँ कि मैं नंबर वन हमेशा के लिए रहूँ। तो आप कौन से सवाल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप डिफेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्टी आएंगी। आप यदि
अच्छे काम परफेक्ट के ऊपर फोकस कर सकेंगे, और परफेक्ट के ऊपर यदि आप फोकस कर रहे हैं तो आपको पॉसिबिलिटी दिखेंगी कि अभी कुछ तो भी संभव है। आपको देखना है कि अभी मैं एम्पावरिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये सवाल है। आपको यदि बड़ा होना है तो आपको सवाल पूछने पड़ेंगे और आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, आज मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि जो अभी तक मैंने किया नहीं है वो मैं लाऊंगा, जो अभी तक मैंने एक्शन लिया नहीं वो एक्शन मैं लूंगा। आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, थॉमस अल्वा एडिसन, आप कोई भी महान व्यक्तियों के नाम ले लो, उन्होंने यही देखा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। नॉर्मली घटना हो रही है, मगर फेल जब आदमी हो रहा है तो फेल होने से डिसएम्पावरिंग ना होकर, डिसएम्पावर्ड ना होते हुए मैं उसमें से क्या कर सकता हूँ वो देखना जरूरी है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। 9,999 ऐसे मुझे एक्सपेरिमेंट्स मिले या मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि जहाँ से मुझे ऐसा पता लगा कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज नहीं हो सकती, ऐसा थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला। वो फेल हो गया करके डिसएम्पावर नहीं हुआ, हर बार वो सोचते रहा, हर बार वो पूछते गया कि चलो ये एटम फेल हो गया अभी मैं नया क्या करूँ, चलो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया अभी मैं नया क्या करूँ, चलो ये एक्सपेरिमेंट 9,999 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, वो पूछता गया पूछता गया पूछता गया, क्रिएटिविटी करता गया और उसने फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का शोध, उसने खोज इलेक्ट्रिक बल्ब की हुई है। जितने भी सफल इंसान हो चुके हैं वो कभी ना कभी हारे हुए हैं, पहले कहीं ना कहीं कितने बार उनको हार का सामना करना पड़ा है और बाद में वो सफल हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सफल ही हो गए, जहाँ भी हाथ डाला वहाँ सफल हो गए, ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं कभी हारता नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने बोला, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। तो आप जहाँ जहाँ हार गए हैं, जहाँ जहाँ फेल्यूर है, वहाँ वहाँ आपको सीखना है, ना कि आपको डाउन होके डिसएम्पावर होके बैठने का है। तो आपने आज से ये देखना है कि रोज़ सुबह उठने के बाद में ये देखो कि मेरे पास में कौन सी अनलिमिटेड पावर है। मैं मेरी अनलिमिटेड पावर जो है, मेरे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जो हिडन पोटेंशियल है, वो मैंने बाहर निकाले है क्या, उनका मैंने पूरा इस्तेमाल किया है क्या, मेरे पास में जो भी ताकत है वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ क्या, मैं मेरे ताकत का इस्तेमाल पूरा कर रहा हूँ क्या, आज मैं नया क्या कर सकता हूँ, आज मैं नया क्या क्रिएट कर सकता हूँ जो अभी तक मैंने कभी किया नहीं है। अपने आप से सवाल करो, कम से कम 15 से 30 मिनट सॉलिट्यूड में जाओ, आराम से बैठो, विजुअलाइज करो कि मेरे लिए क्या संभव है, जो भी संभव है, जो भी आपको लगता है कि यह संभव है, उसके लिए एक्शन क्या क्या हो सकती है वो देखो और एक्शन लेना चालू करो। मैं आपको पक्का बताता हूँ कि आप हरदम खुद को यदि एम्पावरिंग क्वेश्चन करते हो, जहाँ जो क्वेश्चन से आपको बहुत ताकत मिलेगी, आपको जो उत्साह मिलेगा, आपको काम करने की जिद आएगी, तो वो सवाल अपने आप से करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे हिडन पोटेंशियल कैसे बाहर ला सकता हूँ। मैंने पहले वीडियो में कहा है कि हमारा 1/10 जो है ना माइंड, वही कॉन्शियस माइंड है, 9/10 जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो 9/10 हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो 9/10 जो सबकॉन्शियस माइंड में, उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँ। तो आज लोग डिप्रेशन में भरे पड़े हैं, लोगों को इतना डिप्रेशन है, इतना टेंशन है, और लोगों को लगता है कि मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे लिए सिर्फ 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करके पैसा कमाने का है और मेरा घर चलाने का है, मेरा पेट भरने का है, वहाँ से लोग एंग्शियस है, डिप्रेस है। यदि आप अपने दिमाग में से, अपने अंदर जो दबी हुई ताकत बाहर निकालेंगे, पोटेंशियल बाहर निकालेंगे, तो बहुत बड़ा काम करना हर एक के लिए संभव है। और यदि लोग करते हैं तो हमारा देश बहुत आगे हो जाएगा, हमारे देश की तरक्की हो जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान जब भी अपने पोटेंशियल बाहर निकालता है, देश कहीं की कहीं निकल जाएगा। हर इंसान आज जेल में बंद है, जेल में बंद है, वो ताकत बाहर निकालता ही नहीं है। हर इंसान की जो लाइफ है, उसमें के जो लोग हैं, वो जेल में बंद है, वो ताकत बाहर निकालते नहीं है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप पर शेयर करो, ताकि लोगों को उसका एहसास हो जाएगा कि उनकी हिडन पोटेंशियल है, उसको कैसे बाहर निकालना, अपने आप से क्वेश्चन कैसे करना, अपने आप को एम्पावर कैसे करना, अपने आप का उत्साह कैसे बढ़ाना। और यदि लोग करते हैं ना, अपने देश की तरक्की हो जाएगी। हमारे पास में लोग काफ़ी डिप्रेशन के पेशेंट लेके आते हैं, खुद डिप्रेशन के पेशेंट हमको कॉल करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। यदि ये लोग मानसोपचार लेते हैं, हिप्नोसिस का इलाज करते हैं, समझो इससे नहीं हुआ तो वो लोग अपना अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है जहाँ सर उनके साथ में हम लोगों को भर्ती करते, पेशेंट लोगों को,
दूसरा हॉस्पिटल हिसारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को जेल में से बाहर निकालो, लोगों का हिडन पोटेंशियल बाहर निकालो, अपने देश की तरक्की होंगी और आपका हाथ उसमें लग जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।